आज मैंने बनाए थे लौकी के कोफ्ते, वो भी बिना फ्राई किए। बस 2 से 3 चम्मच तेल में ढेर सारे कोफ्ते बनके रेडी हो गए थे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ले ली बिल्कुल ताज़ी सी ये लौकी, और साथ ही मैंने यहाँ पे एक आलू भी लिया है। मैं जो कोफ्ते बना रही हूँ उसमें मैं एक आलू भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपने कभी आलू ऐड नहीं किया हो तो एक बार आलू ऐड करके भी बना कर देखिएगा। यहाँ पे मैंने आधी लौकी ले ली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सबसे पहले लौकी को छील लेंगे और आलू को भी छील लेंगे, और दोनों को ही हमें कद्दूकस करना है। तो मोटी या पतली जो भी आपके पास कद्दूकस हो उसे आप इसको कद्दूकस करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप मेरी आने वाली बाकी की वीडियोज़ को भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो लौकी और आलू है वो दोनों को ही कद्दूकस कर लिया है। अब पहला काम हमें क्या करना है कि जो लौकी आलू है इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद इनको दबा दबा करके इनका जो पानी है ना उसको निकाल देना है। बिल्कुल पानी जितना हम निकाल सकते हैं उतना हमें निकाल देना है। तो देखिए, थोड़े थोड़ा सा मैंने अमाउंट लेकर के उसको अच्छे से हाथ से प्रेस करके जो भी पानी था वो पूरा अच्छे से निकाल दिया है। अगर पानी रह जाएगा ना तो कोफ्ते की जो शेप होती है वो गड़बड़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा गीला गीला हो जाता है, जिसमें हमें फिर बहुत बेसन ऐड करना पड़ता है। अगर ज़्यादा बेसन ऐड कर दो कोफ्ते कड़क बन जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 4 छोटा चम्मच के करीब बेसन ऐड किया है। साथ ही मैंने यहाँ पर पिसी धनिया, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बस ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करते समय मुझे मिक्सचर में थोड़ा सा बेसन कम लग रहा था, तो फिर मैंने 2 छोटा चम्मच बेसन और डाल दिया था। तो बेसन आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसन मत ऐड करिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर ले करके हमें उसको कोफ्ते की शेप दे देनी है। और यहाँ पे मैं इसको सेकने वाली हूँ अपने मेकर में, तो उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है। और इसके बाद हम ऐसे गोल गोल से हमारे जो कोफ्ते हैं वो बना करके अपने स्टैंड में रख देंगे और इसको ढक्कन से ढक देंगे कम से कम 2-3 मिनट के लिए, और इसके बाद हम इसको पलटेंगे। सारे कोफ्तों को पलट देने के बाद फिर से हम इसको 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे कि जो हमारे कोफ्ते हैं ना वो अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे, कहीं से भी कच्चे नहीं रहेंगे। तो आप अपने हिसाब से पलट पलट के इसको ज़रूर सेकिएगा। तो इसी तरीके से मैंने सारे हमारे जो कोफ्ते हैं वो बनाए थे। तो जैसे एक बार के बन गए थे तो मैंने दूसरे बार के भी इसी में डाल करके बना लिए थे। तो चलिए, हमारे कोफ्ते तो उधर बन चुके हैं, अब बनाते हैं मसाला। देखिए, मैंने यहाँ पे एक बड़ा गांठ प्याज का कट करके रखा है, साथ ही उसमें है 5-6 लहसुन, और अब मैं उसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच के करीब खड़ा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, जीरा 1 छोटा चम्मच के करीब, 5-6 मैंने काली मिर्च ले ली है, और साथ ही लिया यहाँ पर दालचीनी का 1 टुकड़ा और 1 छोटी इलायची। बस इन सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा प्याज और मसाला था ये बिल्कुल अच्छे से पिस चुका है। तो चलिए इसको निकाल देते हैं 1 कटोरी में, और इसके बाद हमें सेम जार में ही पीसना है टमाटर। तो पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से जो भी मसाला वगैरह था वो निकाल दिया है, और यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के 2 टमाटर का प्यूरी इस्तेमाल कर रही हूँ। टमाटर आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, पर ग्रेवी थोड़ी सी थिक बनती है इसलिए मैं पीस के डाल रही हूँ। देखिए, टमाटर भी हमारा पीस गया है। तो चलिए अब बनाते हैं हमारी सब्जी। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया था। इसके बाद मैंने डाल दिया 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 तेज़पत्ता तोड़ करके, और इसके बाद हमें डाल देना है हमारा प्याज जो हमने पीस के रखा है। और इसके बाद हमें बस प्याज को अच्छे से भूनना है लो मीडियम फ्लेम पर। हम हमारा प्याज तब तक भूनेंगे जब तक इससे ऑयल जो होता है अलग ना हो जाए। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे तो जो हमारा मसाला है वो चिपकेगा भी नहीं और अच्छे से भून जाएगा। तो देखिए, इसमें और मसाले तो मैंने ऑलरेडी डाल दिए थे, बस टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसके बाद हमने इसको फिर से अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्याज है ये भून गया है, तेल इसमें से थोड़ा सा अलग भी हो रहा है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी हमारा टमाटर का पेस्ट, और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, जब तक कि इसमें एक बॉयल नहीं आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे उतना जितना हमें ग्रेवी चाहिए होगा। तो देखिए, यहाँ पे ये बॉयल होने लगा था तो मैंने थोड़ा सा कवर कर दिया था क्योंकि उछल रहा था। इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है, 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है। मुझे बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए थी। देखिए, अभी ये जब थोड़ा सा ये बॉयल होगा तो ये और थिक हो जाएगा।
आधी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी, इससे जो ग्रेवी में बहुत ही अच्छी महक आती है। तो अभी हम ढक करके थोड़ा सा इसको बॉयल होने देंगे। तो ये देखिए जो हमारी ग्रेवी है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें हमारे जो कोफ्ते हैं उनको डाल दे रही हूँ। कोफ्ते डालने के बाद हमें इसको बहुत देर तक बॉयल वॉयल नहीं करना, नहीं तो कोफ्ते जो टाइट हो जाते हैं। तो इसके बाद मैंने ऊपर से डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, और बस ये जो हमारी लौकी आलू के कोफ्ते हैं ये बिल्कुल बनके रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने गैस को कर दिया है बंद, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक छोटा चम्मच के करीब गर्म मसाला। और बस इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है। सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं एक सर्विंग प्लेट में, और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो चावल हो, रोटी हो, पूड़ी पराठा, ये सब के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए यहाँ पे कोफ्तों को ऊपर से मैंने थोड़ा सा मलाई से गार्निश कर दिया है, और ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी आलू लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये कोफ्ते बने थे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने बनाए थे तो ये कैसे बने थे। मैंने यहाँ पे इसको फटाफट से टेस्ट भी कर लिया था, जैसे कि मैं हमेशा ही कर लेती हूँ। तो वैसे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।